हमारे देश में कई धर्म हैं और हर तरह के संप्रदाय हैं, जिनमें जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग तरह के रीति और रिवाज हैं। इसी तरह सभी धर्मों के अंतिम संस्कारों का तरीका भी अलग होता है। चलिए आपको बताते हैं पारसी धर्म में मृत्यु के बाद किए जाने वाले अनोखे अंतिम संस्कार के बारे में। भारत में पारसी समुदाय के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन उनके योगदान की वजह से समाज में उनको एक अलग रुतबा मिला है। पारसी धर्म में मृत्यु होने के बाद उनके आखिरी संस्कार करने का तरीका भी दूसरे धर्मों से बिल्कुल अलग होता है। इस समुदाय में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को टावर ऑफ साइलेंस यानी कि दखमा में ले जाया जाता है। टावर ऑफ साइलेंस एक गोलाकार स्थान होता है जहाँ शवों को आसमान के हवाले कर दिया जाता है, जिसके बाद गिद्ध और चील मृत शरीर को खाते हैं। जिस तरह हिंदू और सिख धर्मों में शव का दाह संस्कार किया जाता है, मुस्लिम और ईसाई शव को दफनाते हैं, वैसे ही पारसी धर्म के लोग एक बेहद ही खास तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं। पारसी धर्म में मानते हैं कि मृत शरीर अशुद्ध होता है, इनमें पृथ्वी जल और अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए शवों को जलाना या दफनाना धार्मिक नजरिए से ये पूरी तरह गलत ठहराते हैं। पर्यावरण को लेकर सजग पारसियों का मानना है कि मृत शव को जलाने से अग्नि तत्व अपवित्र हो जाता है और दफनाने पर धरती प्रदूषित हो जाती है। पारसी शवों को नदी में बहाकर भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जल दूषित हो जाएगा। इसलिए टावर ऑफ साइलेंस में शव को ऊपर खुले में रखकर प्रार्थना शुरू कर देते हैं। इस प्रार्थना के बाद मृत शव को गिद्ध और चील खाने के लिए आ जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया पारसी समुदाय की परंपरा का एक हिस्सा है। पारसी धर्म में किसी भी तरह के मृत शव को जलाना या दफनाना प्रकृति को गंदा करना माना गया है। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार की यह परंपरा करीब 3000 सालों से चली आ रही है, लेकिन कुछ सालों में गिद्धों की कमी हुई के कारण समुदाय के लोगों का अंतिम संस्कार करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण से पारसी लोग अपने रिवाज को छोड़कर शवों को जलाकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये लोग शवों को अब टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर नहीं रखते, बल्कि हिंदू शमशान घाट या विद्युत शव दाह गृह में ले जाकर उनका संस्कार कर देते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे दी ग्राउंड न्यूज़।